विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा है और इसी मानसून सत्र के बीच में जिस तरह से हिमाचल प्रदेश में आर्थिक संकट मंडरा गया है, जिस तरह से प्रदेश के तमाम कर्मचारियों और पेंशनों की के वेतन और पेंशन पर संकट है, उसी तरह से जो आप देखिए कि विधानसभा के मानसून सत्र में विपक्ष जो है वो जरूर इस मुद्दे को भुनाने का प्रयास कर रहा है। तो आज भी आप देखिए कि आज भी कर्मचारियों की पेंशन और वेतन उन्हें नहीं मिल पाया है। इस वजह से जो है वो कर्मचारी एक अलग तेवर में जाने की तैयारी में है। हालांकि अभी कर्मचारी संगठनों को देखकर ये नहीं लग रहा है कि उनका अगला प्लानिंग क्या है, लेकिन अंदर खाते जरूर जो है वो तमाम सभी कर्मचारी संगठन अपनी रणनीति बनाने में जुट चुके हैं। क्योंकि आप देखिए तो आज 5 तारीख को जो है वो ये कहा गया है कि वेतन और पेंशन जो है वो कर्मचारियों के खाते में आ जाएगा, लेकिन अब अंदर खाते कुछ और ही सामने चीजें आ रही है जिसमें ये कहा जा रहा है कि अभी कर्मचारी और पेंशनर्स को अपने वेतन और आर्थिक लाभ के लिए 10 तारीख तक का इंतजार जो है वो करना पड़ सकता है और 10 तारीख के बाद जो है वो उनके पेंशन और वेतन उनके खाते में आएगी। तो कुल मिलाकर जो है वो स्थिति हिमाचल प्रदेश की इस तरह से है। पूरे देश भर में अब हिमाचल प्रदेश में आर्थिक संकट है, इसकी चर्चाएं गूंजने लगी है। और साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहां पर ऐसा संकट जो है वो पहली दफा देखा गया है। तमाम सभी कर्मचारी जो है वो पिछले कल भी विभागों से, विधानसभा की बात करें तो विधानसभा के सचिव ने भी एक लेटर जो है वो वित्त सचिव को लिखा, मुख्य सचिव को लिखा, जिसमें यह कहा गया कि कर्मचारियों को जो वेतन नहीं मिला है, तमाम बैंकों में जो ईएमआई कर्मचारियों की कटती है उसको लेकर बैंकों को ये डायरेक्शंस दी जाए, बैंकों को ये कहा जाए कि कर्मचारियों को पेनल्टी ना लगाई जाए, जो भी लोन और ईएमआई उनके हर महीने जो है वो उनको देनी पड़ती है। तो कुल मिलाकर जो है वो हिमाचल प्रदेश में समय हालात ऐसे बन चुके हैं कि यहां पर जो है सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों एक दूसरे पर ठिकरा फोड़ रहे हैं कि ये उनकी वजह से आर्थिक संकट हिमाचल प्रदेश में आया। कभी विपक्ष जो है वो सरकार को घेर रहा है तो कभी सत्ता पक्ष जो है वो विपक्ष को घेरने की बात कर रहा है, लेकिन इस समय हिमाचल प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों की पीड़ा को कोई नहीं समझ पा रहा है। कि क्योंकि आप देखिए तो हिमाचल प्रदेश के जो कर्मचारी है दिन रात काम करते हैं और खासतौर पर आप अलग अलग विभागों की बात करिए, चाहे हम पुलिस जवानों की बात करें, तमाम ऐसे हर हर वर्ग के जो कर्मचारी है वो काम करते हैं, इसीलिए इसी उम्मीद से सरकारी क्षेत्र में आते हैं कि उन्हें फिलहाल वेतन के लिए वित्तीय लाभ के लिए जो है वो इंतजार नहीं करना पड़ेगा। लेकिन हिमाचल प्रदेश में इस समय हालत ऐसी है कि सरकारी कर्मचारी अब अपनी सरकारी नौकरी पर भी एक अनसेफ सा महसूस कर रहे हैं। तो फिलहाल अभी तक जो है वो कर्मचारियों के खाते में उनकी वेतन नहीं मिला है और अब जो ये कहा जा रहा है, हालांकि इसमें सच्चाई कितनी है वो हम नहीं कहेंगे, लेकिन जो अधिकारियों द्वारा कहा जा रहा है, वित्त विभाग से जो जानकारी हमने जुटाई है उसके अनुसार रेवेन्यू डेफिसिट जो एक ग्रांट है वो भी ट्रेजरी में 10 तारीख के बाद आएगी जो केंद्र सरकार से मिलती है। इसके अलावा जो टैक्स का पैसा है ट्रेजरी में जो आएगा वो भी 10 तारीख के बाद आएगा। तो कुल मिलाकर जो है वो 10 तारीख तक जो है वो ट्रेजरी में सरकार के पास पैसा होगा, उसके बाद जो है वो कर्मचारियों के वेतन के लिए उससे बांटा जाएगा। तो अब आप खुद सोचिए कि अभी फिलहाल जो कर्मचारी ये उम्मीद लगाए बैठे थे कि 5 तारीख को उनके खाते में वेतन और पेंशन आएगी, तो हो सकता है कि जो ये बातें कही जा रही है इसमें सच्चाई हो और कर्मचारियों को 10 तारीख के बाद जो है वो वेतन मिले। तो इसमें बड़ा संकट है, लेकिन फिर भी मानसून सत्र है, हो सकता है कि मानसून सत्र के बीच सदन में मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश में जो ये आर्थिक संकट आया है इसको लेकर स्थिति स्पष्ट करें। हालांकि कल भी मुख्यमंत्री ने ये कहा है कि हिमाचल प्रदेश में आर्थिक संकट नहीं है। सीएम बार बार जो है वो लगातार यही कह रहे हैं कि हिमाचल में आर्थिक संकट नहीं है, केवल डिसिप्लिनरी जो है वो ये एक्शन लिया गया है ताकि आत्मनिर्भर की तरफ हिमाचल जाए और आगे चलकर जो है वो हिमाचल प्रदेश में इस तरह की स्थिति उत्पन्न ना हो। हालांकि सरकार ये भी कह रही है कि पैसा भी है, सब कुछ है, लेकिन सिर्फ ये डिसिप्लिनरी एक्शन जो है वो सरकार की ओर से लिया जा रहा है। और फिलहाल कर्मचारी इंतजार कर रहे हैं। पिछले कल भी आपने देखा कि सचिवालय के कर्मचारी और अलग अलग कर्मचारियों ने अपने अपने बयान जारी किए, उन्होंने यही कहा कि केवल ये समझ नहीं आ रहा है कि जब कर्मचारियों के वेतन को लेकर पेंशन को लेकर पहले से ही बजट में प्रावधान था तो ऐसे में उन्हें जो है वो उनके वित्तीय लाभ क्यों नहीं दिए गए, जो कर्मचारियों का वेतन और पेंशन का बजट था वो कहां गया। इस तरह के सवाल जो है वो कर्मचारियों ने सरकार से भी पूछे हैं और उनका कहना है कि 10 सितंबर तक वो इंतजार करेंगे। अगर 10 सितंबर तक भी हालत ऐसी ही रही तो उसके बाद अगला एक्शन मोड प्लान पे आएंगे, सरकार से भी पूछेंगे और अगली रणनीति भी बनाएंगे, यानी कि कर्मचारी जो है वो मोर्चा भी खोल सकते हैं सरकार के खिलाफ। तो फिलहाल अब ये कर्मचारियों के वेतन पेंशन का मसला है, इसे छोड़ देते हैं हालातों के हवाले, क्योंकि हो सकता है कि 10 तारीख तक इंतजार करना पड़े और 5 तारीख तक भी हो सकता है कि कल ही कर्मचारियों के खाते में पैसे आ जाए। लेकिन जो वित्तीय अधिकारियों से हमने आंकड़ा जुटाया वो यही है कि कर्मचारियों को वेतन और पेंशन के लिए 10 तारीख तक का इंतजार करना पड़ेगा और धीरे धीरे जो है वो ये हालात और ज्यादा खराब होंगे जैसे जैसे
हर महीने की बात करें तो इस महीने अगर 10 तारीख के बाद आया तो धीरे धीरे ये हो सकता है कि 15 तारीख तक भी जाए। तो फिलहाल स्थिति ऐसी है, भविष्य में क्या होगा वो बाद में देखा जाएगा। लेकिन हम बात करते हैं आज के मानसून सत्र की। मानसून सत्र की 7वीं बैठक आज है और विपक्ष आज भी सरकार को इसी आर्थिक संकट को लेकर घेरेगा। खासतौर पर आप देखिए तो विधायकों की पेंशन को लेकर बड़ा मसला है। आज विधेयक जो है वो पास किया जाएगा कि जितने भी अयोग्य विधायक है, 6 विधायकों को अयोग्य घोषित किया गया था, उसमें कि 2 विधायक ऐसे हैं जो कि पहली बार विधायक चुनकर आए थे, तो उन विधायकों को लेकर जो है वो ये कहा जा रहा है कि उनकी पेंशन बंद कर दी जाएगी हमेशा के लिए, उन्हें पेंशन का हकदार नहीं माना जाएगा इस विधेयक, अगर ये विधेयक पास हो जाता है। और इसके अलावा दूसरों 4 ऐसे विधायक हैं जो कि जिन्हें अयोग्य घोषित किया गया था लेकिन वो पहले भी विधानसभा के सदस्य रहे हैं, तो ऐसे में उनकी केवल 1 साल की पेंशन में रोक लगाई जाएगी। सिर्फ 1 साल की पेंशन जो उनका इंक्रीमेंट हुआ था, अगर आसान शब्दों में हम आपको समझाएं तो वो इंक्रीमेंट उन अयोग्य विधायकों का नहीं होगा। तो कुल मिलाकर हिमाचल प्रदेश में जो 6 अयोग्य विधायक है उनकी पेंशन को लेकर आज विधानसभा के अंदर डिसीजन होना है, विधेयक आज पास होना है। हालांकि ये देखा जाएगा कि क्या विपक्ष इस विधेयक को पास होने भी देता है या नहीं होने देता है, क्योंकि हो सकता है कि विपक्ष अपने विधायकों के लिए जो अयोग्य घोषित किए गए हैं उनके खिलाफ सदन के अंदर आवाज उठाए और इस विधेयक का जरूर जो है वो विरोध करे। हालांकि मुख्यमंत्री ने कल भी ये स्पष्ट किया था कि इस तरह का सख्त कानून लाने की जरूरत हिमाचल प्रदेश में इसलिए है क्योंकि हिमाचल की जो स्थिति है, हिमाचल की जो आर्थिक स्थिति विकराल बनी है, इसे बचाना है। जो पैसा हिमाचल का जो बजट फिजूल खर्ची में जा रहा है, जो बजट हिमाचल में ऐसे ही खर्च हो रहा है, उस पर जो है वो सख्त नियम लाने की जरूरत है। तो इसीलिए अयोग्य विधायकों के पेंशन को लेकर जो है वो आज सदन में जरूर जो है वो फैसला लिया जाएगा, विधेयक बिल पास होगा, उसके बाद तमाम अयोग्य विधायकों की जो पेंशन है वो बंद हो जाएगी। और हिमाचल में अगर ऐसा हो जाता है तो पहली दफा जो है वो ऐसा राज्य हिमाचल बनेगा जहां पर इस तरह का विधेयक जो है वो लाया जाएगा। और दूसरी बात आप ये देखिए कि आज क्योंकि महत्वपूर्ण है, आज भी आपदा को लेकर मुख्यमंत्री भी प्रस्ताव रखेंगे, कई प्रस्ताव आज पेश होंगे और जिसमें कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है वो हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से आपदा हुई है और आपदा प्रभावित राज्यों जिसमें कि सिक्किम, असम और उत्तराखंड के लिए बाढ़ प्रबंधन और संबंधित परियोजनाओं के लिए अनुदान के रूप में सहायता दी जाने की घोषणा की है, उसी तर्ज पर हिमाचल प्रदेश में भी केंद्र सरकार से आपदा की जो एक घोषणा है, आपदा के लिए एक स्पेशल जो ग्रांट है उसकी मांग उठाएंगे और ये सरकारी संकल्प जो है वो मुख्यमंत्री आज सदन के अंदर रखेंगे। इसके अलावा जगत सिंह नेगी भी आज सरकारी संकल्प जो है वो रखेंगे और नियम 63 के अंतर्गत भी आज चर्चाएं होनी है, उसमें विपिन सिंह परमार, चौधर सरवन कुमार विश्वविद्यालय की भूमि में 112 हेक्टेयर भूमि पर्यटन गांव के लिए सरकार द्वारा दी गई है, इस पर आज चर्चा करेंगे। नियम 130 के तहत आज प्रस्ताव लाए गए हैं जिसमें जीत राम कटवाल प्रस्ताव करेंगे कि प्रदेश की ऊर्जा जल विद्युत नीति पर ये सदन विचार करें। और इसके अलावा स्वीकृत संशोधनों की सूची जो है वो विधानसभा में रखी जाएगी, तो आज बहुत सारे प्रस्ताव जो है वो विधानसभा में रखे जाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज पहली बार हिमाचल प्रदेश में संसद की तर्ज पर जीरो आवर्स होगा। इस जीरो आवर्स के जरिए जो है वो तमाम विधायक अपने अपने जो सवाल उनके नहीं लग पाए हैं, जो उनके उनके क्षेत्रों से जुड़े हुए एजेंडे हैं, उनको जीरो आवर्स में उठाएंगे। और पहली बार विधानसभा के अध्यक्ष ने इस तरह का प्रावधान विधानसभा में किया है, इससे पहले संसद में जीरो आवर्स होता था लेकिन अब हिमाचल देश में पहली बार जो है वो जीरो आवर्स विधानसभा सदन के अंदर होगा और इसके जरिए जो है वो तमाम सभी विधायक अपने अपने सवालों को उठा पाएंगे। और विधानसभा के अध्यक्ष ने इस तरह की पहल इसलिए भी की है क्योंकि विधानसभा के अंदर आपने देखा जैसे ही प्रश्नकाल शुरू होता है या फिर प्रश्नकाल के बाद तमाम जो विधायक है वो पॉइंट ऑफ ऑर्डर के तहत अपने अपने क्षेत्रों के मुद्दे और हिमाचल के तमाम मुद्दों को लेकर जो है वो सदन में आते थे, इस वजह से प्रश्नकाल भी नहीं हो पाता था, जिन नियमों के तहत चर्चा थी वो चर्चा भी नहीं हो पाती थी। इन सबको देखते हुए इन सबके नजर जो है वो आज जीरो आवर्स किया गया है, 12 बजे से 12:30 बजे तक जीरो आवर्स होगा प्रश्नकाल के बाद, उसमें विधायक अपनी अपनी बातों को रखेंगे। तो फिलहाल ये विधानसभा की आज की कार्यसूची है जो हमने आपको कही कि आज महत्वपूर्ण सवाल भी लगे गए हैं जिसमें कि मल्टीटास्क वर्कर से जुड़े हुए सवाल है, भर्तियों से जुड़े हुए सवाल है, कई महत्वपूर्ण सवाल लगाए गए हैं। देखना यह होगा कि क्या आज सदन के अंदर विपक्ष प्रश्नकाल शांतिपूर्ण तरीके से होने देता है या नहीं होने देता है। हालांकि पिछले कल जो गतिरोध विपक्ष, सत्ता पक्ष और अध्यक्ष इन तीनों के बीच में जो चल रहा था वो गतिरोध जो है वो पिछले कल खत्म हो गया है, उसमें विधानसभा के अध्यक्ष ने पहल की और जिस तरह से उन्होंने सत्ता पक्ष और विपक्ष सभी विधायकों को इसमें बोलने का मौका दिया, तो वो गतिरोध फिलहाल पिछले कल इतने दिनों से जो तनातनी चली हुई थी वो खत्म हो चुकी है। कल भी शांतिपूर्ण जो है वो पूरा दिन विधानसभा की कार्यवाही चली। अब आज क्या इस आर्थिक संकट जो हिमाचल प्रदेश में है उस संकट को लेकर विधानसभा की कार्यवाही विपक्ष सही तरीके से चलने देता है या नहीं चलने देता है वो देखा जाएगा, क्योंकि अभी भी जो है वो विपक्ष के तमाम
तमाम सभी विधायक नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में बैठक करेंगे, रणनीति तैयार करेंगे कि आखिर आज उनका किस तरह का रवैया जो है वो सदन के अंदर रहेगा। दूसरी तरफ से आप देखिए तो पिछले कल कांग्रेस विधायक दल ने भी बैठक बुलाई और उस बैठक में भी कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। हिमाचल प्रदेश में आर्थिक स्थिति को लेकर फैसला हुआ और हो सकता है कि हिमाचल में कांग्रेस के सभी विधायक जो है वो अपना वेतन ना ले, उसे डेफर कर दे, जिस तरह से तमाम सभी मंत्री और सीपीएस ने अभी तक 2 महीने के लिए अपना वेतन डेफर किया है। तो हिमाचल में स्थिति ऐसी है जिसे कुछ भी कह पाना मुश्किल है। हालांकि सरकार बार बार कह रही है स्थिति बिल्कुल ठीक है, दूसरी तरफ से कर्मचारी जो है वो अपने वेतन का इंतजार कर रहे हैं। अब आज मानसून सत्र की इस बैठक में सदन में मुख्यमंत्री की ओर से इस मसले को लेकर क्या कहा जाता है वो फिलहाल हम आपको पल पल की अपडेट देते रहेंगे। लेकिन जाने से पहले एक बार फिर से बता देते हैं कि जो जानकारी हमने जुटाई है उसके अनुसार रेवेन्यू डेफिसिट की जो ग्रांट है वो ट्रेजरी में 10 तारीख के बाद पड़ेगी। उसके अलावा जो सेंट्रल गवर्नमेंट से कई तरह के टैक्सेस जो ट्रेजरी में आते हैं वो भी 10 तारीख के बाद आएगी, यानी कि जो ट्रेजरी में ग्रांट है वो 10 तारीख के बाद जो है वो वित्त विभाग को मिलेगी, उसके बाद जो है कर्मचारियों को वेतन मिलेगा। तो वेतन का संकट जरूर है, लेकिन क्योंकि कर्मचारियों ने भी कहा है वो सरकार का सहयोग करने के लिए तैयार है, लेकिन बस उन्हें ये बता दिया जाए कि आखिर उनका वेतन कब मिलेगा। तो फिलहाल पल पल के अपडेट आपको देते रहेंगे।